लोरेंटो और कासल के बीच चांद सिमट आया था। हम दोबारा मॉनेस्ट्री वाली सड़क पर चलने लगे। रायना चुप थे। सड़क पर मुड़ने से पहले उसने लोरेंटो पर एक आखिरी उड़ती सी निगाह डाली। मैं ठहर गया। इतनी दूर से चर्च का फसाद नीले अंधेरे में छिप गया था। फसाद से यह मतलब हिंदी वाला फसाद, उर्दू वाला दंगा फसाद नहीं है, द फसाद, FACADE। लेकिन उसकी गॉथिक बुर्जियाँ सफ़ेद धुंध पर टंगी रह गई थीं, किसी परिंदे के सफ़ेद पंखों की तरह, जो बीच हवा में उड़ता हुआ क्षण भर के लिए ठिठक गया हो। हमें चलना चाहिए, मैंने कहा। क्या? उसने चौंक कर मेरी ओर देखा। हमें चलना चाहिए, मैंने कहा। मीता उसकी स्कर्ट से सटा खड़ा था। चर्च की घंटियां अब भी बज रही थीं, किंतु उनका स्वर अब इतना आग्रहपूर्ण नहीं था। सिर्फ एक थकी सी लय अपने को बार बार दोहरा देती थी। बाद के आने वाले दिनों में मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचता रहा। लेकिन उस छोटी सी घड़ी के बारे में सबसे अधिक, जो हमने नीचे उतरने में गुजार दी थी, वह सच थी जो अब स्वप्न सी लगती है। सूरज डूबने लगा था। पेत्रशिन की चोटी गुलाबी सी हो आई थी। तब सचमुच एक पल के लिए भ्रम हुआ, जैसे गर्मी की शाम। मेन रोड छोड़कर हम पहाड़ी की पगडंडी से नीचे उतरे थे। वह सीधे लिटिल पॉटर के स्क्वायर पर उतरती थी। हम बातें करने लगे थे। जो दबाव लोरेंटो के सामने उठा था वह बह गया था। मीता हमें छोड़कर आगे आगे चल रहा था। कभी कभी वह किसी बेंच पर खड़ा होकर नंगे पेड़ों की शाखें हिला देता। बर्फ़ के लौदे सफ़ेद गिलहरियों से पगडंडी पर गिर पड़ते। हमें इस तरह अचानक चौंका कर वह फिर आगे भाग जाता। रास्ता खोजना मुश्किल नहीं था। बादल छितरा गए थे और मॉनेस्ट्री से लेकर स्क्वायर तक सारी पहाड़ी पर चांदनी पीली रेत सी बिछ गई थी।